ऑल राइट, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को पागलपन नेक्स्ट लेवल। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही औसम है। कैप्टन ऑप्शिप है, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। तो बताइए पागलपन की नेक्स्ट लेवल कितना हमें देखने को मिलेगा, पागलपन का नेक्स्ट लेवल। सर, हमारी पिक्चर का टाइटल पागलपन है एंड पागल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. हम हर जगह यूज़ करते हैं, पागल है क्या. एंड हमारे पास एक्चुअल लाइफ में सबसे बड़ा पागल है, दैट इज़ गुरु मानू ऑन फिटनेस. उनकी पागलपंती इतनी है कि वो एक अलग ही लेवल पे है. दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू कीप द टाइटल कॉल्ड पागलपन नेक्स्ट लेवल. सो ही स्टार्टेड वर्किंग आउट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड उनका एक सपना था कि मैं सलमान खान जैसी बॉडी बनाऊंगा. एंड ही स्टार्टेड वर्किंग आउट टूवर्ड्स हिम एंड आज ही बिकेम अ ट्रेनर, देन ही बिकेम एन इन्फ्लुएंसर एंड आज पता नहीं क्या क्या लिस्ट है. बट यस, सो दैट्स वॉट आवर फिल्म इज अबाउट, हिज फिटनेस, हाउ ही बिकेम फ्रॉम यामाहा टू लम्बोर्गिनी, हिज जर्नी, एक वन बेडरूम के घर से एक मैंशन तक उनकी जर्नी. तो ये फिल्म उसके बारे में है. बिल्कुल बिल्कुल। सो गुरु जी, आपसे जानेंगे कि थोड़ा सा बताइए यामाहा से लंबोर्गिनी की जर्नी कैसी रही। एंड पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद देन ये पागलपन फिटनेस का, हर एक को किसी ना किसी क्रेज़ होता है, एक चीज़ का कुछ बनने का क्रेज़ होता है. तो मेरा फिटनेस के अंदर अपनी फिजिक बनाने का क्रेज़ ये स्टार्टिंग में शुरू हुआ. वैन आई सीन सलमान खान टीवी के अंदर, मैंने लगा यार सलमान खान से फिजिक बनानी है, यू नो होल इंडिया इंस्पायर्ड, गॉड इंस्पायर्ड बाय हिम, आई एम वन ऑफ हम. तो मेरा वहाँ से मेरी स्टार्टिंग जर्नी शुरू हुई. उसके बाद बाहर गया एंड उसको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया. अब फिटनेस ट्रेनर, जिम ट्रेनर बना. अब वो एक पागलपन जैसा जिम ट्रेनर टू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म पीपल, यू नो. एंड अब जिम में जब काम करते हो, अब सैलरी में काम करते हो और अब कमीशन बनाते हो, जब ट्रेन देते हो, दैट इज योर, दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी जिम ट्रेनर इन द वर्ल्ड, यू नो, सैलरी एंड कमीशन फॉर क्लाइंट्स. एंड देन उसके बाद शादी हुई एंड मेरा जो असली पागलपन शुरू हुआ मिशन इंडिया फिट का, जब लगा कि हिंदुस्तान की हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे इंडिया की हेल्थ एंड फिटनेस ठीक नहीं है, डेथ रेट पर हम टॉप पर हैं. अब ये पागलपन अचीव कर पाना या कुछ कर पाना, ये सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल. अब मैंने वो देश के लिए काम करने के बारे सोचा आपने. अब वो जो मैं सैलरी मुझे मिलती है, जो ब्लूप्रिंट्स मैं लोगों को देकर जिम के अंदर वहां से सैलरी मैं कमाता हूँ, पे चेक आता है, घर चलता है, वो सारा कुछ मैंने इंडिया के लिए करना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट. जिससे आमदन आती है वो छोड़कर मैं, क्योंकि एक कॉज है इंडिया का हेल्थ एंड फिटनेस, मिशन इंडिया फिर एक कॉज है जो इंडिया सफर कर रहा है हेल्थ में, उस ट्रैक को ठीक करने के लिए मैंने ये कदम रखा. जब मुझे रियलाइज हुआ, देखो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक रूल नंबर 6 है, व्हेन यू हैव समथिंग यू गेट समथिंग यू अचीव समथिंग यू हैव टू गिव इट बैक, पे बैक. मुझे 13 साल हो चुके थे जिम फिटनेस के अंदर. मैं वहाँ का कैलिफोर्निया का ग्रेजुएट हूँ, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर. उसी के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर एज अ ट्रेनर, वहाँ गोरों को ट्रेन कर रहा हूँ. मेरे लोगों को हेल्प की जरूरत है, क्यों मैं अपने लोगों की हेल्प करूँ. आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया. हाउ, नो आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं. क्यों, कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, कुछ है नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं करना चाहता हूँ. कैसे करूँगा, ये स्ट्रगल है सारा. एक इंडिया को लेकर पागलपन, आई वॉन्ट टू सी माई कम्युनिटी फिट. 112 नंबर इंडिया का हेल्थ रैंक, WHO बोल रहा है इंडिया नंबर वन कंट्री है वर्ल्ड के अंदर. अगर ऐसा चलता रहा 2030 इंडिया सबसे बीमार देश है. हम इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम सब कुछ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ में हम डिजास्टर हैं. 100 साल की जिंदगी 90 साल की जिंदगी होगी, 90 से 80 70, आज 40 साल के बेड, अगर हॉस्पिटल में जाए बेड किसने पकड़े हुए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इज द इशू. बिल्कुल. और ये बढ़ते जा रहे हैं सर, ये अलार्मिंग था. इसलिए मैंने ये पागलपन मेरे ऊपर हिट किया और उसके बदले मुझे मिलना क्या है, मुझे कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि दिस आई एम डूइंग इट फॉर फ्री. मुझे लगा कि आई बॉर्न टू, ये कॉज है, आई एम बॉर्न फॉर दिस, आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी. तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आकर काम करना शुरू किया सोशल वर्क, जिसमें मेरी फैमिली किसी ने सपोर्ट नहीं किया. माई वाइफ सपोर्टेड मी बिकॉज आई वॉज लिविंग ऑन वाइफ पे रोल. आई लॉस्ट माई जॉब, नो वी हैड नो हाउस, यू नो शादी को 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है. दिस अ प्रेशर एज अ मैन, यू मैन ऑफ द हाउस बट यू डोंट ब्रिंग मनी होम. माई वाइफ सपोर्टिंग मी, आई एम लिविंग ऑन हर पे रोल. ऑफकोर्स लाइफ जो आप बोलो, यू आर बॉटम ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वी आर जीरो दैट टाइम. और इंडिया का पागलपन जिसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है. तो ये जर्नी, यहाँ तो फिर यामा चलाता था,
वहाँ अब घर से कचरा उठाने तक के पैसे देने पड़ते थे, यहाँ मेरा कोई घर का रेंट थोड़ा था, क्योंकि पेरेंट्स के पास रहते हो क्या होता है आपका कुछ खर्चा नहीं, लिविंग डिफरेंट लाइफ, वो पैशन था, आज़ादी लाइफ। लेकिन पता तब चलता है जब आप शादी होती है एंड नाउ यू आर मैन ऑफ द हाउस, आपका घर, आपके आगे की जनरेशन, यू गॉट एस्टैब्लिश योरसेल्फ। सो मैं उस चीज़ को छोड़कर इंडिया काम में मैंने काम करना शुरू किया, और जो मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है उसको वापस अपनी कम्युनिटी को बांटना शुरू कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने वो स्ट्रगल करना शुरू किया, बैक एंड फोर्थ, हैड नो मनी, काफ़ी साल निकल गए। उसके बाद मैं यूट्यूब पर पहुँचा जब मुझे बात नहीं। सो इस मूवी के अंदर जो मेरा स्ट्रगल है इस पागलपन को लेकर, पहले लाइफ पैशन से प्रोफेशन के बाद पागलपन, जो एक्चुअली मिशन इंडिया फिट, ये इस जर्नी के अंदर है। क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख पा रही है लेकिन किसी और को नहीं दिख पा रही। मेरे फादर आपके सके खून को नहीं पता चलता कभी कभी कि आपका विजन क्या है। दिस मूवी हैज़ दैट बिकॉज वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और मैं फिटनेस के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए, वो बिल्कुल ठीक है पेरेंट्स, क्यों एग्जाम्पल नहीं है अभी सेट नहीं है। जब कोई नाम नहीं है बताने के लिए तो आप सबसे पहले अपना नाम कैसे बनाएंगे आप दूसरी कंट्री में बैठे हो। तो वो एक इस मूवी के अंदर बहुत स्ट्रगल रहा है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। जैसे मैं दिल से काम करता रहा हूँ, कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, तो मैंने फ्री में काम किया कॉज, क्योंकि इंडिया के लोगों को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है, नॉट अबाउट द सिक्स पैक। ये तो एक्सटर्नल है, इंटरनल अंदर से तो सारे अंदर, किसी से लिवर खराब है, किसी हार्ट के इशू है, किसी का पैनक्रिया इशू है, किसी के इंसुलिन का इशू है, ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर इन घर के अंदर है। मैं उसको एड्रेस करना शुरू किया अपने घर, अपने मॉम को सबसे पहले, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वन हेल्थ प्रॉब्लम, उनको ठीक कर अपने घर को ठीक कर आगे इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आया मतलब हैड नथिंग, नो मनी, नथिंग ऑन फ्रॉम वी ऑन द फ्लोर एंड यू नो, एंड देन क्या होता है कि आपका क्लिक होता है, जो यू लुकिंग फॉर दैट क्लिक, यू लुकिंग फॉर द बेस्ट फोटोग्राफी पिक्चर एंड लुकिंग फॉर दैट डे द कैप्चर। एंड कब आता है एक झलक होती है, पूरे दिन के अंदर पकड़ नहीं होती है फोटोग्राफर को मालूम है, नए बंदे को नहीं पता चलेगा, काफ़ी दिन महीने वेस्ट होंगे टू गेट द बेस्ट लाइटिंग, टू बेस्ट द बेस्ट शेड्स, यू हैव टू वेट फॉर दैट डे एंड आई नो डे विल कम, आई हैव टू कीप क्लिकिंग। एक दैट माइंडसेट, यू हैव टू कीप गोइंग, आपका टाइम आएगा, हर एक का टाइम आता है। इफ यू नो द डेस्टिनेशन बी यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन, लेकिन यू शुड नो व्हाट इज बी, लेकिन कब पहुंचोगे किसी को नहीं मालूम। आज हम नेविगेशन में डालते हैं कि मैंने यहाँ से जाना है अंधेरी, तो आपको मालूम 15 मिनट लगेंगे, 45 लगेंगे, यू आर ऑन ए, आपकी नेविगेशन आपको बता रही है बी इतनी दूर है, क्योंकि जो घर से बाहर निकलता है उसका बी डेस्टिनेशन होता है। आप कहाँ जा रहे हो ना बिना बी के, यू विल गेट लॉस्ट। फॉर मी आई हैव बी डेस्टिनेशन, बट कैसे पहुँचना है देयर इज नो नेविगेशन, कितने मिनट, कितने साल, कितने ये सफर कितना लंबा है, दैट इज व्हाट आई डिडंट नो, लेकिन मुझे मालूम था मैं पहुँचूंगा। तो इस मूवी के अंदर सारा स्ट्रगल है टू अचीव, जैसे उन्होंने बोला है कि यामा से लैम्बोर्गिनी, फ्रॉम a personal trainer, part time personal trainer, like nothing, like that's a very small title designation, to become the richest personal trainer in the world, richest Indian personal trainer overseas. I proved things, aisa blueprint hai ki ab India ke log, India ka youth bhi personal trainer bankar aap bahut achieve kar sakte hain. So this movie is all about, you know, fitness ke andar bhi paisa hai, covid ne sab kuch prove kar diya. Bilkul. If you are unfit, you know the COVID के अंदर जो बंदे health में थे वो सबसे पहले top radar में थे threat के अंदर। जो लोग gym जाने वाले fit बंदे हैं, they're lowest possible. So fitness आपको इस ऐसे बड़े pandemic में save कर रही है। और आज देखो fitness एक ऐसा field है, quickly add करना चाहूँ, हर कोई आपको engineer बनने की जरूरत नहीं, हर एक को, हर एक को doctor बनने की जरूरत नहीं, हर एक को पुलिस में भर्ती होने की जरूरत नहीं, हर एक को politician बनने की जरूरत नहीं, हर एक को आर्मी में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन उन सभी बंदों को फिटनेस उन सभी के लिए जरूरी है। फिटनेस बहुत बड़ी है, किस तरह से छोटी करियर हो सकता है, मेरे फादर सेड है लॉट ऑफ बोल कि ये कुछ नहीं है इसके अंदर, सर बहुत बड़ा समंदर है। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव माइंडसेट एंड दैट्स व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, द फैमिली विल गेट इंस्पायर्ड, द स्टोरी इज लाइक दैट। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने पूरे हिंदुस्तान को फिट रखने की, एंड ये अच्छी बात भी है। आपसे और ढेरों सारी बातें करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों तक मैंने आज तक आपको सहजान पदम सिंह के नाम से बुलाया है, अब आपने अपना नाम सडनली चेंज कर लिया है जी, कोई खास वजह? ये एक निकनेम है, इट्स एन एक्रोनिम ऑफ माय नेम एंड आल्सो एस ए एंड एच, वेल एनीवे इट्स एन एक्रोनिम, इट हैज माय पेरेंट्स इनिशियल्स एज वेल, तो एक स्पेशल नाम है। ऑनेस्टली आप पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि आई लव माय बर्थ नेम, इट्स हु आई एम, ये एक मेरा आइडेंटिटी बन चुका है, बट इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर पीपल टू प्रोनाउंस। एंड मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था टू फोकस ऑन म्यूजिक,
because as you know, my mom is a singer and main album release karne wali hu in the coming months. So I've been working on that and maine actually ye mujhe you know ye nickname Sasha jo hai I had planned it as my musical avatar, like an artist name. But then things got a little bit delayed and then the film came first. So musically pehle plan kiya tha, but now the film came, so I started as you know with this film with this name. बिल्कुल पागलपन में किस अंदाज में दिखाई देने वाली है, हालांकि मैंने ट्रेलर देखा है, लेकिन आप बताइए कि पागलपन में किस अंदाज में दिखाई देंगे आप? जी एक्चुअली आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ हिज वाइफ. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. वी ऑल हैव बिग ड्रीम्स यू नो, बट वी नीड दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर. और उनकी वाइफ वो थी इनकी जर्नी में. आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी. आई सेड आई हैव टू प्ले दिस रोल बिकॉज when nobody believed in him and he was going through so many challenges, there was one lady who stood by him and said, let's do this together. So that's the role I'm playing.